बदलते युग के साथ टेक्नोलॉजी आखिर हर समय हमारी ज़रूरतों को और आसान बना देती है। कई उपकरण हमारी निजी ज़िंदगी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उनका दुरुपयोग 3 युवकों को इतना महंगा पड़ा कि पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मामला रुड़म थाना क्षेत्र का है, जहां गरिमा स्कूल में बीएसएफ के आरक्षक ट्रेड के एग्जाम के दौरान 3 युवकों को ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर परीक्षा देते पकड़ा, जिसकी शिकायत बीएसएफ अधिकारियों द्वारा थाने पर दी गई। डिवाइस इतनी छोटी थी कि वह कान के अंदर छुपाई जा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी परीक्षा हॉल में मौजूद टीचर ने उसे देख लिया और तत्काल इसकी जानकारी संबंधित अधिकारी को दी गई। अधिकारियों की शिकायत के बाद थाना रुड़म में प्रकरण दर्ज कर 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि गणेश और श्याम सुंदर मुरैना के रहने वाले हैं, वही एक अन्य आरोपी देवेंद्र भिंड का रहने वाला है, जो यहाँ पर पीएसएफ के आरक्षक की परीक्षा देने आया था। थाना एरोड्रम में दिनांक बीएसएफ के द्वारा एक आवेदन दिया गया कि उनके द्वारा आरक्षक ट्रेडमैन की परीक्षा गरिमा स्कूल थाना एरोड्रम क्षेत्र में ली जा रही थी। उस दौरान उनके द्वारा 3 ऐसे बच्चे पकड़े गए जो ब्लूटूथ डिवाइस का उपयोग करके नकल कर रहे थे। उक्त आवेदन की जाँच में यह पाया गया कि जिला मुरैना के रहने वाले 2 लोग, गणेश और श्याम सुंदर तोमर तथा भिंड का रहने वाला देवेंद्र, इनके द्वारा ब्लूटूथ डिवाइस अज्ञात व्यक्तियों से खरीद कर उसका परीक्षा केंद्र के में उपयोग किया गया, जो चेकिंग के द्वारा पकड़ा गया। और तीनों को खिलाफ 3 घ/4 मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा अधिनियम के अंतर्गत अपराध पाया गया, जो 3 को प्रकरण में कायम किया गया।